हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पार्सल हमारे पास आया है आज, तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर कस्टमर ने हमें भेजा है X2, ऐसे फ़ोन पे बताया है। तो अभी हम इसे फटाफट अच्छी तरीके से ओपन करते हैं कि इनके फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने कहा कि मैं सर्विस सेंटर लेके गया, लेकिन वहाँ पर बोला गया मुझे डायरेक्ट मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कस्टमर ने मुझे कहा कि मदरबोर्ड चेंज करने के लिए बोला गया है। तो अभी हम इसको बॉक्स को फटाफट ओपन कर लेते हैं और फ़ोन चेक करते हैं कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है चार्जिंग लगा के। तो देख लीजिए, इसमें पोको X2 निकला है, कंडीशन बढ़िया है, सिम ट्रे भी नहीं है। तो ये हमने ऑन ऑफ की दबाया है, लेकिन जो हमारा फ़ोन है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसका जो है मदरबोर्ड अच्छी तरीके से पूरा ओपन कर लेंगे और आपको जो है मदरबोर्ड की कंडीशन बताएंगे कि मदरबोर्ड की क्या कंडीशन है। तो हमें स्क्रू अच्छी तरीके से पूरे खोल लेने हैं और एकदम आराम से ओपन करना है फ़ोन, के फ़ोन में कुछ गड़बड़ ना हो और कैमरे वगैरह सब अच्छी तरीके से निकाल लेने हैं हमें। इसके बाद हमें ये चेक कर लेना है कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ ऑल ओके है कि नहीं है, मदरबोर्ड की कंडीशन के मदरबोर्ड टेम्पर्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये मदरबोर्ड देखेंगे, मदरबोर्ड एकदम फ्रेश है। जब हमने इसे चार्ज करके देखा तो ये फ़ोन ले रहा था चार्जिंग पे 0.1। तो वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा कि फ़ोन बना कि नहीं बना हमारा। ये देख लीजिए, फाइनली गाइस जो हमारा प्रोसेसर है वो बैठ चुका है। तो देख लीजिए, नीचे से पेस्ट बाहर आ चुका है, इसका मतलब ये है ये बैठ चुका है, ये बोर्ड की कुछ कंडीशन है। तो अभी हम इसे लगा के ऑन करके चेक करेंगे कि क्या हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ जो पहले डेट था। तो देख लीजिए, फाइनली गाइस रिज़ल्ट ये रहा, जो फ़ोन है हमारा वो ऑन हो चुका है। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो अब मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।